कलेवा काटने की जो बात है, मैं आज भी कटवाता हूँ, समझाता हूँ लोगों को, पाखंड से हटो, मंदिर हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए शिक्षा मंदिर अच्छा है। क्या कारण है? जो मंदिर में लोग होते हैं उन्हें पैसा देते हैं हमारे लोग, तो दान कहा जाता है। बाहर बैठे हुए लोग पैसा मांगते हैं तो उसे भीख कहा जाता है। पैसा वहाँ भी दे रहे हैं, पैसा बाहर भी दे रहे हैं। वो पत्थल कितना भूखा है, डेली 2-4 क्विंटल लड्डू चढ़ता है, कितना भूखा है, लाखों लाख चढ़ावा आता है, कितनी बड़ी तिजोरी नहीं भर रही है, कितने बड़े व्यापारी हैं वो। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ये सही एक बहुत अच्छी पार्टी थी, जब मान्यवर कांसी राम का युग था, तो मैं नहीं समझता उतनी बढ़िया कोई पार्टी उत्तर प्रदेश या देश में थी। अब ये बात तो हमारे आप मेरे बेटे से जाके पूछिए, क्योंकि मैं समाजवादी में था, वो भाजपा में थे। ये तो भाजपा के लोगों से आप पूछिए, हमारे बेटे से जाके पूछिए। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार, आजमगढ़ में, और ख़ास तौर पे ये पूर्वांचल जिनकी वजहों से जाना जाता है, किन कारणों से जाना जाता है, समीकरण के वजह से जाना जाता है, चर्चाओं में हमेशा रहता है। अब आजमगढ़ और ख़ास तौर पे पूर्वांचल चर्चाओं में कौन रहते हैं, ऐसे ही शख्स हैं हमारे साथ रमाकांत यादव जी। अब रमाकांत यादव जी, आप देख रहे हैं, परिचय के मोहताज नहीं, ये 4 बार से विधायक, 4 बार से सांसद, और अब की बार 5वीं बार समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए। पहले तो मैं इनको इतने लंबी पारी के लिए ही धन्यवाद देता हूँ यूपी तक को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। रमाकांत साहब, अब बात शुरू होती है पूर्वांचल से। कभी आपको शेरे पूर्वांचल कहा जाता है, कभी आपको बाहुबली भी कहा जाता है, बाहुबली इस सेंस में कि आपके पास हजारों बल हैं, और कभी कभी आपको अपने बयान के वजह से जाना जाता है। इन सारे के पीछे जो फंडा है वो जानबूझ के होता है या अचानक आता है, क्या? देखिए, बाहुबली हो या शेरे पूर्वांचल का मामला जो है, मैं तो कहता नहीं ना कहलवाता हूँ, जनता क्या कहती है उस पर मैं कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता। जनता क्या उपाधि दे दी, कभी सांसद जी कहती है, कभी हमारा नाम लेके भी बुलाती है, जनता प्यार से क्या कहती है, हमको सब जो है स्वीकार करते हैं। पहली बात, और आपने क्या पूछा? चर्चाओं में रहते हैं, आपका सवाल कुछ इस तरीके का हमेशा कंट्रोवर्शियल भी बन जाता है जो आपका बयान होता है। देखिए, हमारे बयान में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है। फ़र्क ये है कि जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मैंने शुरू से केवल सामाजिक न्याय को लेकर के और पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, क्योंकि ये हमेशा उपेक्षित रहे हैं, सदैव उपेक्षित रहे हैं। तो मेरी एक सोच है कि इनको सहयोग किया जाए, इनको बढ़ाया जाए, आगे शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाया जाए, आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, और समाज में इनको एक सम्मानित स्थान दिया जाए, ये मेरी सोच। अच्छा रमाकांत जी, ख़ास तौर पे अब पूर्वांचल की जो राजनीति है, एक तरफ से एक कहा जाए कि जिस तरीके से आप यादव हैं तो यादव लैंड की बात होती है, यहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन है, लेकिन अब जिस तरीके से देखा गया अभी हाल फिलहाल में कि ठाकुर लाबी जो है वो भी अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से मजबूत स्थिति में पा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आप मुझे यादव कहे हैं, मैं पिछड़ा दलित हूँ, यादव ने पिछड़ा दलित, ये तो तब बांट दिया गया है जातियों में, हम इसको नहीं मानते, हम अपने को पिछड़ा दलित मानते हैं। अब ठाकुर की जहाँ तक बात है, उन पर कोई टिप्पणी हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उनकी क्या राजनीति है, क्या सोच है, क्या विचार है, उस पर हम कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं। देखिए, समीकरण की राजनीति और पूर्वांचल खास तौर पे इसी पे बेस्ड है। अब चाहे वो नेताजी से शुरू करिए या उसके पहले शुरू करिए, सवाल तो आता है। देखिए, पूर्वांचल की जो राजनीति, खास करके आजमगढ़ की,
मऊ भी हमारे आजमगढ़ का एक हिस्सा था, आज अलग हुआ है। आजमगढ़ जब आप 1952 में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब भी यहाँ सोशलिस्ट पार्टी के लोग 1/50 की संख्या में 50% लोग जीते थे। 50% कांग्रेस जीती थी तो 50% सोशलिस्ट जीती थी। तो ये जनपद हमेशा समाजवादी विचारधारा का रहा और समाजवादी विचारधारा सोशलिस्ट से फिर लोकदल में आए, बीकेडी में आए, जनता दल में आए, लोकदल में आए, समाजवादी वही समाजवादी का रूप है। तो हमारा पूर्वांचल आजमगढ़ जो है ये पूर्वांचल का केंद्र बिंदु है राजनीति का, और यहाँ पर निश्चित रूप से जितने भी नेता हमारे पैदा हुए, चाहे बागेश्वर यादव हों, संजीत यादव हों, शिवली नुमानी हों, राम नरेश यादव हों, रामबच्चन जी हों, भीमा जी हैं, झारखंडे राय थे, तमाम नेता जितने पैदा हुए सब लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो निश्चित रूप से पूर्वांचल समाजवादियों की धरती है, समाजवादी विचारधारा, और समाजवादी कभी जातिवादी तो होता नहीं है। समाजवादी एक विचार की पार्टी है, समतामूलक समाज चाहती है, यही है पूर्वांचल में। नहीं, समय समय पे आपका बयान भी आता रहा, वाद को लेके आपने काफ़ी सवाल भी उठाए थे। एक बार तो आपने कलेवा तक कटवा दिया, जो मनुवादी सोच का आरोप लगा के, या उसके पीछे क्या था जरा हमारे दर्शकों की। देखिए, वाद का जहाँ तक मतलब है, मैं जातिवादी नहीं वर्गवादी हूँ। वर्गवाद जान रहे हैं आपने, उसमें पूरा का पूरा पिछड़ा, पूरा का पूरा दलित आता है। मैं वर्गवाद कहता हूँ, न कि जातिवाद कहता हूँ। और कलेवा काटने की जो बात है, मैं आज भी कटवाता हूँ, समझाता हूँ लोगों को, पाखंड से हटो, मंदिर हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए शिक्षा मंदिर अच्छा है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मंदिर में जाने पर हम ठगे जाते हैं, वहाँ शिक्षा नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता है। मैं आपसे एक सवाल कर ले रहा हूँ, क्या कारण है जो मंदिर में लोग होते हैं उन्हें पैसा देते हैं हमारे लोग तो दान कहा जाता है, बाहर बैठे हुए लोग पैसा मांगते हैं तो उसे भीख कहा जाता है। पैसा वहाँ भी दे रहे हैं, पैसा है बाहर भी दे रहे हैं, या तो दोनों को भिखारी कहा जाए या दोनों कहा जाए दान ले रहे हैं, है कि नहीं। नहीं, फर्क है, एक दान है, एक स्वेच्छा है और एक मर्जी है, एक फर्ज होता है ऊपर का और एक स्वेच्छा। मैं कहता हूँ मंदिर में पत्थर की मूर्ति पर चढ़ा रहे हैं जो निर्जीव है, जिसमें जीव नहीं है, आप उसको दान कहते हैं। एक गरीब व्यक्ति जो भूखे मर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भूखा है, अगर वो मांग रहा तो भीख कहा जा रहा है। दान तो असली वो होगा जो एक गरीब असहाय है, जब उसे हम देंगे वो दान कहा जाएगा। और अगर जो लोग बहुत इस पर चर्चा करते हैं, मैं कहता हूँ मैं भी मंदिर में चलता हूँ, माथा टेकूँगा, लेकिन उस शर्त पर न तो वहाँ दान पेटिका हो और न तो कभी उस मंदिर में कोई चढ़ावा आए, तो मैं मानूँ कि यह मंदिर सही मंदिर है। जब वो पैसा लेने पे दर्शन होता है, पत्थर का चढ़ावा चढ़ाना होता है, दान पेटिका में पैसा डालना है, हाँ इतना ज़रूर, अगर मैं चलूँगा, अगर उसमें दान लेने वाले नहीं रहेंगे, दान पेटिका नहीं रहेगी तो मैं सम्मान करूंगा, लेकिन बाहर बैठे हुए जो गरीब है, असहाय है, अगर उनको जरूर जो मेरी शक्ति होगी उनको दे दूंगा, लेकिन उसमें मंदिर में नहीं दे सकता हूँ। गरीब को इसलिए दूंगा जो बाहर बैठ के मांग रहे हैं, अपने बच्चे की शिक्षा के लिए मांग रहे हैं, बच्चों के कपड़ा के लिए मांग रहे हैं, उनके बच्चे भूखे उनके भोजन के लिए मांग रहे हैं, तो उनको देना तो समझ बात आती है। वो पत्थर कितना भूखा है, डेली 2-4 क्विंटल लड्डू चढ़ता है, कितना भूखा है, लाखों लाख चढ़ावा आता है, कितनी बड़ी तिजोरी नहीं भर रही है, कितने बड़े व्यापारी हैं वो, कितने बड़े। ये आस्था का सवाल है, और आस्था पे हमारा सवाल नहीं था कि मतलब हम आपसे इस तरीके की बात करें, लेकिन उस पर कभी और बात हो सकती है।
अभी फिलहाल हमारा ये जो है 24 को लेके जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है, इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब किस तरीके का रूप लेने जा रही है अगली राजनीति। देखिए 24 में निश्चित रूप से बदलाव होना है, बदलाव होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग गुमराह थे, दलित समाज के लोग गुमराह थे, आज वो भी इस बात को जान गए हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमें छला जा रहा है, हमें ठगा जा रहा है, हमारा उद्धार इससे नहीं होगा जब तक हम अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे, अपने अधिकार के लिए नहीं खड़े होंगे, बच्चों को शिक्षित नहीं कराएंगे, तब तक हमारा हित नहीं है। इसलिए निश्चित बदलाव 2024 में होना है। अच्छा रमाकांत जी, जब उपचुनाव चल रहा था, इसके पहले जो 22 का चुनाव था, काफ़ी तरीके से आप बयान आपका आता था, काफ़ी एक्टिव। अब की बार उपचुनाव में आप एकदम न तो मीडिया से ही सामने आए, न मुखर होकर कोई बात करते, क्या इसके पीछे क्या हुआ? देखिए उस समय हम आजमगढ़ जनपद के तो रहने वाले, 10 विधानसभा में घूमते रहते हैं, मैं घूमता था तो मुझे आभास हुआ कि अब की बार सब लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी लोग मन बना चुके हैं, 10 विधानसभा जिताएंगे, मैंने कहा था। अब देखिए चुनाव ये उपचुनाव था, पहली प्राथमिकता होती है आप लोगों की कि हमारे उम्मीदवार से आप बात करिए, उनसे बयान लीजिए, उनसे बयान करवाइए। और नहीं कहीं कहीं हमने भी बयान दिया है, ऐसी कोई बात नहीं, बयान नहीं दिए हैं, और क्षेत्र में घूमे हैं। ठीक है, चुनाव हारना जीतना लगा रहता है, चुनाव हम लोग हारे नहीं हैं। फर्क ये है कि जो हमारा मतदाता 70% वोट करता था वो घर से नहीं निकला, 45% 50% लोग घर से निकले, पोलिंग परसेंट ने आपने देखा 48% हो गई, जाना चाहिए था 56% 57-58% होना चाहिए था, परसेंटेज कम हो गया, जिसकी वजह से बहुत छोटे मतों से हम लोग रुक गए। तो चुनाव जीतना है, देश में इंदिरा जी हारी हैं, गांधी जी हारे हैं, अंबेडकर साहब हारे हैं, कांसीराम जी हारे हैं, देवीलाल जी हारे हैं, अटल जी हारे हैं, चौहान सिंह जी हारे हैं, मुलायम सिंह जी हारे हैं, सभी लोग हारे हैं। चुनाव तो जीत हार होता है, लगा रहता है, उससे नहीं घबराने की जरूरत। नहीं नहीं, सवाल हमारा ये था कि पिछली बार जब आपने ये कहा कि हम 10 की 10 से जीत रहे हैं तो जीते, उपचुनाव में आपसे बात की गई, पूछा गया, तो आपने इस मामले पे कन्नी भी काटी, मेरे सामने खुद धर्मेंद्र जी थे, मेरे उनसे चर्चा की, उस वक्त भी आपका रुख था, क्या आपको कुछ आभास था क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जब हमारे उम्मीदवार धर्मेंद्र जी हैं, नेता हम लोगों के हैं, जब वो हैं, वो बयान दे रहे हैं, तो उनके साथ उन बयान दे रहे, तो मेरा वहाँ बयान देना उचित नहीं था, है ना? उसके बाद भी तो नहीं हुआ? नहीं, फिर आप लोग आए भी नहीं कि बयान दें, कोई मीडिया वाला आया भी नहीं कि बयान दें, मीडिया के लोग धर्मेंद्र जी के साथ थे, धर्मेंद्र जी बयान दे रहे थे। चलिए रमाकांत जी, कुछ ऐसी बातें हैं कि 24 की तैयारी है, आप यहाँ से सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी से रहे, बहुजन समाज पार्टी से रहे, 24 में आप जिस तरीके की परिवार की हार हुई है, आप एक नया चेहरा के रूप में फिर से आएंगे? देखिए ऐसा है, मैं वर्तमान में विधानसभा का सदस्य हूँ, फूलपुर से, समाजवादी पार्टी से हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे लीडर हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनका जो आदेश होगा उसी आदेश का हम लोग पालन करते हैं, उन्हीं के आदेश हम लोग चलते हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के एक छोटी सिपाही। बातें सुनने में आई कि अब हम लोग बाकी से बात कर रहे हैं तो सारी बातें हो जानी चाहिए, कि जिस तरीके से यहाँ का समीकरण है, पार्टी के अंदर खींचतान है, उसको लेके आपने ये फैसला किया कि अब हम दूसरे जनपद बगल के जौनपुर से चुनाव लड़ना पसंद करें, ये क्या? देखिए पहली बात तो जो आपने कहा खींचतान, हमारे पार्टी में कहीं कोई खींचतान नहीं है, हर समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर संगठन के लोग ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम किया। मैंने बताया कि पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, हमारे लोग वोट के समय कम निकले, उसका
उसी कारण हम जो है डाउन हो गए चुनाव में। और आप जो कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा आज भी कहा, नेता का जो आदेश होगा उसी का पालन करेंगे। मेरा सवाल ये भी था कि जिला छोड़ के अपने बगल के जिले जौनपुर से अजमाना चुनाव में ज़्यादा अच्छा। भाई देखिए, मैं भदोही से भी लड़ चुका हूँ, जीत हार तो लगी रहती है। मैंने कहा कि हमारे नेता कहेंगे कि जौनपुर से लड़िए, भदोही लड़िए, मिर्ज़ापुर लड़िए, गाजीपुर लड़िए, मऊ से लड़िए, सुल्तानपुर लड़िए, कंजाल से कहेंगे लड़ा जाएगा। नहीं नहीं कहेंगे कि पार्टी में काम करिए तो पार्टी में काम करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो नेता का आदेश होगा वही पालन होगा। देखिए रमाकांत जी, आप मजे हुए राजनीतिक हैं, आपको हम बातों से अपनी बात तो कहना ही चाहेंगे, भले आप बताना चाहें ना बताना चाहें। अखिलेश यादव जी का ना आना कितना आप समाजवादी पार्टी के लिए इस उपचुनाव में नुकसानदायक है? तो देखिए अखिलेश जी ने, अखिलेश जी इस्तीफा देने के पहले भी आए थे, इस्तीफा देने के बाद भी आए हैं, चुनाव के कुछ पहले भी आए हैं, हमारे यहाँ अम्बारी में भी गए हैं, अतरौलिया में भी गए हैं, तमाम जगहों पर आए हैं। ऐसी कोई चुनाव के दौरान नहीं आए? नहीं, उपचुनाव के दौरान उनके लोग लगे हुए थे, उनकी पूरी सेना लगी थी, हम सब लोग लगे थे। आना ना आना अलग की बात है, लेकिन मैंने बताया कि वो मतदाता घर से कम निकला, जिसकी वजह से हम लोग का नुकसान हुआ है। और इस गलती को हम अपनी मानते हैं, हम लोग कम समय था, अपने लोग बीच में जा नहीं पाए, अपने लोग निकाल नहीं पाए घरों से, इसलिए वोट कम पड़ा। हार कारण हमारे यही था जी। अच्छा, जिस तरीके की बातें कही गई उस 22 के ही दौरान की बात फिर करते हैं कि जिस तरीके से पश्चिम से लेके और अवध से लखनऊ से लेके और पूर्वांचल होते हुए और गाजीपुर बिहार बॉर्डर तक समाजवादी पार्टी की लहर रही, लेकिन देखा यह गया कि अम्बेडकर नगर से लेके गाजीपुर तक ही सीमित रहा मामला, ये कहाँ से गलती रही है? अब देखिए, हम अपने ज़िले के बारे में पूरी जानकारी है, मऊ भी ठीक रहा हमारा, नौ हमारा रिजल्ट 75% मऊ में था, 4 सीटों में 3 सीट हम निकाले। गाजीपुर में, हाँ अम्बेडकर नगर भी था, गाजीपुर जौनपुर में 9 में हम 5 निकाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। होता है, हर जगह अलग अलग विचार के लोग होते हैं, हो सकता है हमारा संगठन वहाँ घर घर न जा पाया हो, माननीय अखिलेश जी की नीतियों को न समझा पाया हो, जो हमारे तमाम मुद्दे थे चुनावी, जो पेंशन वाला था मामला, पुरानी पेंशन वाला, किसानों की बिजली फ्री होने वाला, हर व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाला, हमारे लोग समझा नहीं पाए होंगे, बता नहीं पाए होंगे, इसलिए नुकसान हुआ है। एक चीज़ और कही जाती है, जिस तरीके से अखिलेश जी के जब से वही 14 हारे 19 हारे 22 हारे, इस पे आप लोगों का अब अलग से क्या बन रहा है स्ट्रेटजी, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? भाई हार जीत का आप ये कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश जी 14 हार गए 19 हार गए 17 हार गए 22 हार गए, इनका रहे ना। जो आज सरकार में लोग हैं 1952 से लेकर ये 96 तक लगातार हारते चले आए, कितना समय हुआ, 46-47 वर्ष तक कभी नहीं सत्ता में आए। धर्म के नाम पर, चाहे एक उन्माद पैदा करके या जो भी करके, ये बार अटल बिहारी वाजपेयी 17 पार्टियों के को गठबंधन बना करके 2 बार, वो एक बार 4.5 साल, एक बार 15-16 महीने, 2 बार थे मुख्यमंत्री, फिर ये चले गए कांग्रेस, 2 बार आई, फिर ये आ गए। मैं कहता हूँ 70-75 साल में 10 साल के लिए हुए हैं, उसके अलावा तो नहीं, तो ये तुकताल है, समय है, पार्टियाँ घटती हैं, बढ़ती हैं, उठती हैं, गिरती हैं। कांग्रेस का मुकाबला कोई नहीं था ना, 77 में सभी दल के लोग एकजुट होकर के जनता पार्टी बना करके कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे, तब जाके मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय जो है विदेश मंत्री हुए थे, लेकिन 20-22 महीने में गिर गए।
तो दो तीन चुनाव चार चुनाव जनता का मूड है, हार गए जीतना हन्ना लगा रहा था, फिर भविष्य में हमारा ठीक रहेगा जब, क्योंकि हमारे अब लोग शिक्षित हो रहे हैं, इसलिए हमें भरोसा है कि पूरा दलित पूरा पिछड़ा शिक्षित हो रहा, माइनॉरिटी भी शिक्षित हो रही है, तो निश्चित रूप से हमें ताकत मिलेगी और समाजवादी पार्टी पुनः सरकार में आएगी जी। चलिए, बात हो रही है आने वाले 24 की, उसके आगे फिर 27 है। अब आप लोगों की बेसिक और ख़ासतौर पर ये पूर्वांचल आजमगढ़, इसके लिए आप लोगों का अपना क्या प्लान है? देखिए, हम लोगों का प्लान क्या, हम लोग हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं, समाजवादी विचारधारा को बताते हैं, समतामूलक समाज के लिए बनाने के लिए बताते हैं, और सामाजिक न्याय की लड़ाई तो हमेशा लड़ते ही रहे, आज भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भविष्य में। बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, जिस तरीके आप तो उनके सहयोगी भी रहे हैं, जिस तरीके से बीच में डाउनफॉल हुआ, लेकिन अब बहुत तेज़ी से आपकी बार उपचुनाव में भी नतीजा देखने को मिला कि जिस तरीके से उनका चढ़ाव रहा, उसको लेके और उनकी जो स्ट्रेटजी है और आपकी स्ट्रेटजी में फ़र्क कहाँ से पड़ा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ये सही एक बहुत अच्छी पार्टी थी जब मान्योर कांशीराम का युग था, तो मैं नहीं समझता हूँ उतनी बढ़िया कोई पार्टी उत्तर प्रदेश या देश में थी। शुद्ध रूप से वो राजनीति करते थे, पिछड़ों दलितों माइनॉरिटी की, और माननीय कांशीराम जी ने जिन ताकतों के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी को बनाया था और इतना बड़ा समाज खड़ा किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया है, समाज नहीं खड़ा कर पाए थे। मानवर कांतिराम जी ने समाज खड़ा किया, पिछड़ा दलित माइनॉरिटी को उठाया, आगे बढ़ाया। जिन लोगों के खिलाफ आज वही उनके ना रहने के बाद आज वही लोग वहाँ मालिक बन बैठे हुए हैं, आप जान ही रहे, तो यही है फर्क, ये है। तो जब तक दूसरे लोग मालिक हैं तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जो है विकास कर सके, आगे बढ़ सके। तो भारतीय जनता पार्टी की भी बात हो जाए कि जिस तरीके से यहाँ पे उसका प्रचंड बहुमत आया, जिस तरीके से इस चुनाव में परिणाम आए, उपचुनाव भी आया, क्या लगता है कि किस तरीके से अब आप इनके प्रति भी तो आपको एक स्ट्रेटजी तैयार करनी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई मूल वोट नहीं, ना कोई मूल आधार है, धर्म के नाम पर वो लोग गुमराह कर रहे हैं, ये बहुत दिन तक नहीं चलता है, धर्म की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती है, समाज को बांटने का काम जो किया जाता है बहुत दिन तक नहीं चलता है। ये पार्टी उस तरीके से जैसे आप देखते हो कभी कभी पहाड़ी नदियों में जब बरसात तगड़ी होती है, तगड़ा पानी आता है, तेज पानी आता है, तो मोटे मोटे पेड़ उखड़ कर बह जाते हैं, लेकिन पता लगा कुछ दिन बाद वो नदी में एक बूंद पानी नहीं, अगर चिड़िया भी पानी पीना चाहे तो नहीं पी पाती है। तो आने वाले दिनों में ठीक है, इनकी एक लहर बनी, सरकार बनाए, लेकिन निश्चित रूप से जैसे वो नदी सूख करके उफान ख़त्म हो गया, उसी तरीके से आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ये अपने आप डाउन होंगे, क्योंकि समाज पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपने अधिकार के बारे में चिंतित है, अपने हक के बारे में चिंतित है, समाज में अपना स्थान लेने के लिए चिंतित है, अभी भी उनको सामाजिक रूप से जो मिलना चाहिए समानता वो नहीं मिल पाती है ना। नहीं, आप कह रहे हैं कि उनके पास वोट कम है, लेकिन एक आपने उदाहरण किया कि सूखी नदी के बाहर आती है और एक बार सूखी नदी, ये चीज़ तो सिक्के का दूसरा पहलू आप पे भी लागू हो सकता है। देखिए, ऐसा है 1952 से आप देखेंगे तो सोशलिस्ट पार्टी जब थी पहले तब भी निश्चित रूप विरोध में थी, फिर आते आते 67 में सरकार बनाए चौधरी चरण सिंह, फिर उसके बाद 77 में सरकार में थे, 89 में बनी, 93 में बनी, फिर 2003 में बनी, 2007 में बनी, 2012 में बनी, तो धीरे धीरे होगा, बनेगी,
सरकार बनेगी, इतना जरूर। तब तक हम लोग परेशान होंगे, तब तक हम लोग कमज़ोर रहेंगे, जब तक हमारा पिछड़ा और दलित पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होगा। क्योंकि आप देखते होंगे, जब हम लोगों की सरकार बनती है तो हम शिक्षा पर जोर देते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लें, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए साइकिल दिया जाता है, लैपटॉप दिया जाता है, और जब दूसरी सरकारें बनती हैं तो शिक्षा पर नहीं, मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, करते हैं ना। क्या हमारे देश के संविधान में कहीं मंदिर और मस्जिद की चर्चा है? क्या है चर्चा कहीं संविधान में? हैं, तो संविधान के तहत हम लोग चल रहे हैं, उस संविधान से हटकर चल रहे हैं, उस संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं, हम संविधान को मजबूत करना चाह रहे हैं। संविधान में कहीं नहीं है कि मंदिर बनाने का मंदिर गिराने का, मस्जिद बनाने का मस्जिद गिराने का, कहीं नहीं है ना। संविधान में तो हक अधिकार और कहाँ क्या होना चाहिए वो दिया गया है, तो हम लोग संविधान पे चलने वाले हैं। समानता की बात है, हाँ, एकदम समतामूलक समाज चाहते हैं। अच्छा जी, समय है, खास तौर पे अब आप चार बार से सांसद रहे, चार बार विधायक, अब की बार पांचवी बार, इस तरह की उपलब्धि को लेके आपको क्या लगता है कि किस तरीके का फील होता है? एक गांव का प्रधान होता है तो भी आजीवन अपनी एक छवि रखता है, कुछ इस तरीके की भी बातें हो? देखिए, जनता प्यार सम्मान देती है, मेरा अपना नहीं हो, वो जनता का दिया हुआ सम्मान है, जनता का दिया हुआ प्यार है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। मेरा केवल इतने काम है जनता की मैं सेवा करता हूँ, जितना हो सकता है उतनी मदद करता हूँ, और जनता जब चाहती है तब ये सम्मान छीन लेती है, जब चाहती है फिर दे देती है, तो इस पर कौन सी टिप्पणी किया जाएगा। चलिए, चलते चलते एक दो सवाल और हमारे हैं। जिस तरीके हमने शुरुआती दौर में आपसे बात किया था कि एक चंदौली देख, वाराणसी देख लीजिए, चाहे आजमगढ़ के MLC सीट देख लीजिए, चाहे वो प्रतापगढ़ देख लीजिए, तो वो एक लैंड की बात आ रही थी कि जो एक खास वर्ग, एक ठाकुर बिरादरी की बात आ रही कि उनका जो अधिपत्य इस तरीके से जमा रहा, क्या लगता है कि अब अगली बार उसको आप कैसे चुनौती दे रहे हैं? देखिए, आप MLC चुनाव के बारे में जानना चाहते हैं? जो जीत हुई, और ख़ास तौर पे पहले तो ये गिनती का वोट होता है, ये धन बल और सत्ता तीनों का चुनाव होता है। धन भी चाहिए, बल भी चाहिए, सत्ता भी चाहिए, उसका चुनाव होता है। आपने देखा होगा, जब जब जिसकी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से उसी के ये लोकल बॉडी के लोग MLC होते हैं, चाहे बहुजन सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, तो ये सत्ता का चुनाव है, धन का चुनाव है, बल का चुनाव है, ये समाज का चुनाव नहीं होता है, विचारधाराओं का चुनाव नहीं होता ये। अब इसी में एक सवाल ये भी उठ गया कि अब आपके बेटे थे, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे, कहाँ उनको धन की और बल की और उसकी कमी आ गई कि वो चुनाव हार गए? अब ये बात तो हमारे आप मेरे बेटे से जाके पूछिए, क्योंकि मैं समाजवादी में था, वो भाजपा में थे, ये तो भाजपा के लोगों से आप पूछिए, हमारे बेटे से जाके पूछिए। एक पिता की एनालिसिस तो हो। नहीं, जहाँ सामाजिक व्यवस्था की बात है, राजनीति की बात है, जब दोनों दो तरफ हैं, तो उसमें परिवार संबंध, मेरा बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, ये सवाल आप अरुण जी से जाके पूछिए, उसका जवाब वही लोग दे सकते हैं, मैं नहीं दे पाऊँगा इसका जवाब। चलिए, आप जो बताना चाहेंगे वही बताएंगे, हम तो सीधी सीधी बात कर रहे थे। रमाकांत जी, अब 24 को लेके या जो भी आने वाला संदेश है, हमारे UP तक के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के भाइयों को नमन करते हुए, निवेदन करते हुए, मैं आशा करता हूँ, पूर्ण विश्वास करता हूँ कि 2024 में लोकसभा के चुनाव में सभी लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़ करके समाजवादी पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालने का काम करें, मेरा अनुरोध है जनता से। जी।
शुक्रिया साहब। तो ये थे रमाकांत यादव जी, चार बार से सांसद रहे, चार बार विधायक और अब की बार पांचवी बार। आपने देखा कुल मिला के 9 बार अगर एक जनप्रतिनिधि है, और उनके बातों को, उनके कहने के तरीकों को, कुछ सवाल भी हमारे रहे लेकिन उससे साफ बचते भी रहे, कुछ का इन्होंने बड़ा अच्छे से जवाब भी दिया, लेकिन कुल मिला के राजनेता पूर्वांचल में यही सफल है। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।